अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे जाकर मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दो सूचियां भी जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत सांसद भी शामिल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनावी चाल ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है। इसके बाद कुछ इसी तरह कदम पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में उठा सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार सभी राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां से जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी और जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि इस बार सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ा जाएगा और जीतने के बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के इस कदम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाखुश बताई जा रही हैं। अगर बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लड़ना होगा और बल्कि पार्टी के अंदरूनी कला से भी निपटना होगा। दरअसल 6 बार विधायक रह चुकी पार्टी के दिग्गज नेता सूर्यकांत व्यास और पूर्व विधायक शेखावत के साथ मतभेद है। पुष्करणा ब्राह्मण समुदाय के एक प्रमुख नेता और लोगों में जीजी के नाम से फेमस 85 साल की सूर्यकांत व्यास इस बात से नाराज बताई जा रही हैं कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और इसके पीछे वो गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदार भी मानती हैं। इसके अलावा उनके टिकट न मिलने के पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पार्टी के नियम अनुसार 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में बीजेपी केंद्रीय मंत्री और राज्य प्रमुख जी के रेड्डी समेत 4 सांसदों को मैदान में उतार भी सकती है। मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों की राजनीति से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।